हेलो गाइस, मैं हूं भूपेश माथुर और स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल में सेमी ट्रेवल्स द वर्ल्ड में। आज है 22 मार्च 2020 और ये वैसे एक थैंक्स गिविंग वीडियो है, पर उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है अभी। जी हाँ, आपने सही समझा, कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो कोरोना वायरस जो है, उससे बचने के लिए मैंने कुछ 10 स्टेप्स पॉइंट जो है उसको निकाले हैं, तैयार किए हैं। उसके लिए हमें संभल कर रहना बहुत जरूरी है। तो हम संभलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, स्टेप वन, वो ये है कि दूसरों का ध्यान रखने से पहले हमें खुद का ध्यान रखना है। जब हम खुद का ध्यान रख पाएंगे तभी हम दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे। खांसते हुए छींकते हुए मुंह पर हाथ रखना ना भूलें, और हाथ के साथ कोशिश करें कि अगर आप कपड़ा भी रख, जैसे कि आप खांसते और छींकते वक्त अपना अपने मुंह और नाक पे हाथ रखते हैं, आप कोशिश करिए कि अगर आप कपड़ा रख पाए तो और ज्यादा अच्छे से आप उसको कवर कर पाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो आप हैंकी या जो भी आप कपड़ा यूज कर रहे हैं उसको आप हर जगह ना रखें। हर जगह रखने से वो आप इनडायरेक्टली। स्टेप थ्री, हम को सफाई रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी खुद की सफाई, हमारे आसपास की सफाई, बार बार आप सैनिटाइजर से हाथ धोइए, अपने हैंड वॉश से साफ करिए हाथ, और कोशिश करिए कि आप आसपास और क्लीननेस क्या क्या रख सकते हैं। वैसे भी क्लीननेस रखने के बड़े फायदे हैं, इससे और भी बीमारियां नहीं आती, मलेरिया मच्छर जो है वो नहीं आते, और भी कई चीजें हैं। तो सफाई रखना बड़ा जरूरी है, तो आप उसका ध्यान रखिए। स्टेप फोर, अननेसेसरी आप बाहर ना निकले, खासकर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करें। हालांकि अभी तक तो ऑलमोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं, पर शायद आपके शहर में कहीं चल रहे हों तो आप उनको यूज ना करें। आप सबसे पहले तो अननेसेसरी बाहर निकले ही ना, और फिर भी आपको जरूरत पड़ रही तो आप कोशिश करिए आप खुद के पर्सनल व्हीकल से निकले, कार से निकले कोशिश करिएगा कि आप डायरेक्ट एनवायरमेंट में ना आए। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी एक रूम में बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जम्स के कॉन्टेक्ट में मैं ना आऊँ। मैंने भी अपने फैमिली के साथ खुद को आइसोलेट कर रखा है घर में, मैं भी आइसोलेटेड ही हूँ अभी, जब तक कि गवर्नमेंट आगे फर्दर डिटेल्स और नहीं बताती या इंस्ट्रक्शंस नहीं देती। स्टेप फाइव, खास करके आप उनका ध्यान रखिए जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं और जो मिडिल एज में 50-60 के आसपास आ रहे हैं, उन लोगों का ध्यान रखिए। इसका कारण क्या है कि उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम होती है, तो वो वायरस की या बीमारी की जो है चपेट में जल्दी आ सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, या जो 10 साल से छोटे बच्चों को हैं, उनको लेके आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलें जब तक कि जरूरी ना हो। और आपको लगता है कि नहीं यार डॉक्टर को जाना है या कहीं जरूरी है जाना, तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल पर ही जाएं। छोटे बच्चे हैं, उन माँ बाप से भी मेरी दरखास्त है कि आप जब बाहर से आते हैं, ऑफिस से या कहीं से भी, कभी भी, इवन 31 मार्च के बाद की बात भी मैं अगर आपसे करूं, तो आप स्पेशली ध्यान रखिए कि अपने जो आप छोटे बच्चे हैं, चाहे वो इन्फेंट है या वो जो 4-5 साल के भी हो चुके हैं, तो उनके पास जाने से पहले जरूर खुद को साफ करें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करिए। कोशिश करिए कि आप नहाकर ही उन बच्चों के पास जाएं। साथ साथ जो भी बच्चों के आसपास के एरियाज हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उसको भी आप टाइम टाइम पे सैनिटाइज करते रहिए, साफ करते रहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी चपेट में ना आए। बच्चों की इम्यून पावर बहुत कम होती है, उनका बीमार रहने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेप सिक्स, इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब ये 31 मार्च के बाद भी अगर कोरोना से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद भी इस आदत को आप बरकरार रखिए कि जब भी आप बाहर से आते हैं या बाहर जा रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी कॉमन चीज़ों को घर में छूते हैं, जैसे कि लॉक हो गया, हैंडल हो गया, डोर हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम आते वक्त और जाते वक्त हाथ लगाते हैं। चलिए जाते वक्त तो फिर भी ठीक है, आते वक्त हो सकता है हम कुछ वायरसेस लेके आ रहे हैं, कोरोना नहीं तो कोई और ही साथ में, दूसरे जम्स हो, तो उनको सैनिटाइज करना ना भूलें। घर आते सबसे पहले उनको सैनिटाइज करिए ताकि दूसरे लोग उनको हाथ ना लगाएं। और आपके घर में अगर कोई मेड आती है तो आप उसके हाथ भी धुलवाएं और उसको भी ये चीज़ का थोड़ा अवेयरनेस करवाएं कि इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्लीन करने के लिए आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिट यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है सैनिटाइजर आपको शायद नहीं मिल रहा हो तो डॉक्टर स्प्रिट जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप इनका यूज़ ज़रूर करिए। और मार्केट में अगर आपको सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो जो आफ्टर शेव होते हैं, आप आफ्टर शेव को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी अल्कोहल बेस्ड ही होता है। इसके अलावा जो वेट वाइप्स होते हैं वो भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं काफ़ी सारे, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें।
स्टेप 7, खांसना और छींकना एक आम बात है, पर इस टाइम इन्हें आम खांस या आम छींक की तरह मत लें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डॉक्टर्स के पास अननेसेसरीली जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है डॉक्टर पे, कंपाउंडर्स पे, नर्सेस पे, फार्मेसीज पे काफ़ी लोड बढ़ा हुआ है। तो हमें इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अननेसेसरीली ना जाएं, पर इसको आम समझ के घर भी ना बैठें। आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि आपको जाने की वाकई ज़रूरत है या नहीं है, तो आप अपनी समझदारी से सूझबूझ से ज़रूर काम लें। और साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब भी हम, जैसे मैंने आपको भी बताया, जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हम कपड़ा ज़रूर रखें। कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस में हों या जो कार में किसी के साथ में हों, चाहे राइड शेयर कर रहे हों, चाहे खुद की कार में हम किसी को लेके जा रहे हैं, या हम ऑफिस में हैं, या हम किसी और जगह भी है। कोरोना के अलावा भी मैं आपको एक आम बात बता रहा हूँ अपने रूटीन के लिए, तो लोग ना खांसते वक्त, छींकते वक्त बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हाथ नहीं रखते, उनको याद नहीं आता कि रखना चाहिए या क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग जनरली ऐसे करके छोड़ देते हैं, पर नहीं, इसको ऐसा जनरली छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए इस तरह से। तो हाथ जरूर रखें, और आपके आसपास कोई नहीं रख रहा है तो उसको हम हाथ रखवाएं। इसमें हम शर्म ना करें या ये ना सोचें कि बुरा लगेगा, और लगे तो उसको लगने दीजिए। प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। स्टेप 8, जैसे कि मैंने डॉक्टर्स के बारे में बताया, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर, फार्मेसी, इन पे लोड बहुत ज़्यादा है। तो हम इनको थैंक्स कहना चाहते हैं सबसे पहले तो, कि इतने भारी टाइम में जब सब जने लॉकडाउन करके बैठे हैं, सब अपनी सर्विसेज शट डाउन करके बैठे हैं, तो यही लोग हैं जो बीमारी का रिस्क सबसे ज़्यादा उठाते हुए, हम सबको, सबका ध्यान रखते हुए बराबर काम पे जा रहे हैं या ओवर टाइम भी कर रहे हैं, तो इन पर लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इन अननेसेसरी इनको परेशान ना करें, ज़रूरत हो तो ही जाएं, और इनको एक सल्यूट तो बनता है। जैसे कि आज ही 22 मार्च 2020 शाम को 5 बजे, जैसे 3:30 अभी बज चुके हैं, तो कुछ ही देर बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि हम बालकोनी में जाके या बाहर जाके इन सब के लिए क्लैपिंग करें, हम थाली बजाएं, हम म्यूज़िक बजाएं, तो इनको अप्रिशिएट करें। इनको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, ये अप्रिशिएट के काबिल भी हैं। और ये सब भी तरह का, जिस जिस तरह का ये काम चल रहा है, ये सुपर हीरो की कैटेगरीज में आ चुके हैं डॉक्टर्स भी अब, तो इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इनको प्रोत्साहन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो ये इसी तरह से और भी आगे काम करते रहेंगे। और मेरा सल्यूट है सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस, कंपाउंडर्स को, सभी फार्मेसी को, जो हमारी मदद कर रहे हैं, बराबर सब चीज़ें रख रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 9 या स्टेप 9 जो है वो ये है कि जब भी हम किसी फार्मेसी में जाते हैं, हम टैबलेट्स ले रहे हैं, सैनिटाइजर ले रहे हैं, हैंड वॉश ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं, तो या तो आपके यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होता है, या आपको अगर गलती से कहीं मिल जाए तो आप लोग क्या करते हैं ना कि आप बहुत सारा उठा के ले आते हैं। 10 बोतल सैनिटाइजर के लिए आए, 10-20 बोतल हैंड वॉश के लिए आए हैं, मास्क सारे ले आए हैं, सारी चीज़ें आप ही लेके आ गए हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि और दूसरे जने जो लेने जा रहे हो ना, उनको आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके साथ साथ आपके आसपास वाले, आपके शहर वालों का भी सेफ रहना उतना ही जरूरी है जितना आपका। आप अगर सेफ हैं, आपके पास वाला सेफ नहीं है, उसको सैनिटाइजर नहीं मिला, उसको मास्क नहीं मिला, तो उससे फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं। आप लेके आइए, आप एक्स्ट्रा स्टोर करके भी रखिए, पर इतना भी मत करिए कि दूसरे लोग ना ले पाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए आप। स्टेप 10, जो ये क्वारंटाइन टाइम चल रहा है ना अभी, जो सब घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर आइसोलेट हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने को मना किया है, जैसे आज तो चली जनता कर्फ्यू है, इसके बाद भी हमें कम से कम जाना है पब्लिक प्लेस, तो इस क्वारंटाइन टाइम जो है आपका, इसको आप अच्छे से यूज़ करिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, घर का काम करिए, घर की आप साफ सफाई भी कर सकते हैं, क्लीननेस रखना भी ज़रूरी है, आप घर जमा सकते हैं जो आप घर लोग जो घर जमाना चाहते हैं आप लोग। हम ऐसे तो मौका ढूंढते हैं कि यार कब हमें छुट्टी मिले, कब हम घर में रेस्ट करें, कब हम टाइम स्पेंड करें, कब हम घूमने जाएं। चलिए घूमने तो नहीं जा सकते, पर आप बाकी सारी चीज़ें तो आप घर में कर सकते हैं। तो आप घर में अपने फैमिली के साथ हैं, अपने सबके साथ हैं, जो भी आपके घर में हैं,
ये बेस्ट टाइम है, इसको आप इंजॉय करिए, आप क्वालिटी टाइम जो है वो आप बिताएं अपने घर वालों के साथ, और कोशिश करिए कि सोशल ना हो। एक चीज़ और है, सोशल नहीं होने के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, जो भी आपके घर में मेड आते हैं, जो भी सर्वेंट आते हैं, और भी बहुत सारे घर जाके आते हैं, वो भी हो सकता है शायद इन्फेक्शन वायरस कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो, तो आप उनको भी कुछ दिन की छुट्टी कर दीजिए, उनको छुट्टी दे दीजिए ताकि वो भी थोड़ा रेस्ट भी कर लें और जो जम्स है वो स्प्रेड ना हो। सोचिए वो एक घर में जा रहे हैं, इसके बाद 5 घर और गए, पहले ही घर में उनको अगर वायरस मिल गया तो वो 5 और घर में फैलाएंगे, तो उनको भी छुट्टी दे दें, उनको रेस्ट देना जरूरी है ताकि वो जम्स ना फैलाएं। तो यही है मेरे आज के 10 पॉइंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वीडियो मेरा थैंक्स गिविंग वीडियो है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। हम 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, रिसेंटली मैंने देखा शायद 105 106 कुछ हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार बरसाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बस इसी तरह सब सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो, और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से कोरोना वायरस से बचने की टिप्स जान सकें और सभी जो है इस बात का बेनिफिट उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।